जो अपलीमेंट हो रहा है वो देखा जाता है धरती पे। आज इंटरनेशनल में हमारी पोजीशन क्या है, बड़ी से लगाइए, आज इंडिया की कहाँ ग्रोथ जा रही है 6%, जहाँ पे GDP जो आ रही है और जो बाहर में फॉरेनर्स में रह रहे हैं वो भी पैसा इंडिया में डिपॉजिट कर रहे हैं, अभी किस लिए कर रहे हैं आज इंडिया का और पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है आज की तारीख में। आज़ाद तो दोनों ही हुए थे, और जो लोग बोलते हैं कि भैया कि मतलब हिंदू और मुस्लिम कर रहे, अरे भाई हिंदू तो अपनी जगह पे सीधा साधा रहा, जो हुआ पहले हुआ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। 2024 में क्या लगता है? 2024 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ही आने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर, ये लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया है, सब दिन ये सबके सोच है, इनकी सोच को कोई बदल नहीं सकता। जो अप्लीमेंट हो रहा है वो देखा जाता है धरती पे। आज इंटरनेशनल में हमारी पोजीशन क्या है, बड़ी से लगाइए, आज इंडिया की कहाँ ग्रोथ जा रही है 6%, जहाँ पे GDP जो आ रही है और जो बाहर में फॉरेनर्स में रह रहे हैं वो भी पैसा इंडिया में डिपॉजिट कर रहे हैं, अभी किस लिए कर रहे हैं आज इंडिया का और पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है आज की तारीख में। आज़ाद तो दोनों हुए थे, और जो लोग बोलते हैं कि भैया कि मतलब हिंदू और मुस्लिम कर रहे, अरे भाई हिंदू तो अपनी जगह पे सीधा साधा रहा, जो हुआ पहले हुआ। पाकिस्तान के टुकड़े क्यों हुए थे, किसने करवाए थे, हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस ने ही करवाया था, जो आगे बढ़ा है तो आप वो भी तो सोच में रखो ना आप लोग। और उसके अलावा आज पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है, तो पाकिस्तान की सिचुएशन के अलावा आज इंडिया की सिचुएशन देख लो। आज इंडिया में जो आज हमारी इंटरनेशनल पोजीशन है वो कभी भी नहीं हुई पीछे इन सालों में, और जो आज है सिचुएशन और आगे बढ़ने वाली है। आज आर्मी कितनी सपोर्ट में है, डिफेंस आर्मी, एयरफोर्स, सारी नेवी कितनी चीज़ों में आई है, और आज इतनी गाड़ियाँ, ट्रेन वगैरह जितनी भी हैं, वंदे मातरम और फलाना और ये डिग्री, और सारे AC कोचों में लोग चल रहे हैं, आज कितनी भी है, तो ये चीज़ अपने हुए है। हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, और कहने वाले कहते रहे और सोचने वाले सोचे, और बेचने में कौन सी बेची है। ये तो एक ऐसा है कि जैसे किराए पे मकान किसी को देना, एग्रीमेंट लिख लिया, पैसा ले लिया, जब तक चल रहा है उसके बाद में क्या है, तो ये चीज़ पता किसी को नहीं है। और रही है आने वाले टाइम में देखते रहना वन साइड, और हो सका जिस दिन वीटो पावर मिल गई तो अपोजिशन तो उल्टा पैर रोएगा, उल्टा पैर का। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं राहुल गांधी, कई बार ट्रोल भी हो रहे हैं, RSS को लगातार टारगेट कर रहे हैं, मुद्दा ही नहीं। वो कह रहे हैं भारत जोड़ो, अरे भारत टूटा कहाँ ये बताओ, भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मोदी जी तो और जोड़ने वाले हैं, अभी PO को भी लो, बलूचिस्तान लो, सब आने वाला है, मोदी जी जोड़ रहे हैं, ये तो बस पद यात्रा मैडम, कुछ भी नहीं है, खर्चा बढ़ा रहे हैं अपना। आने वाले 2024-2029 में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है, उन्हीं की हवा है मैडम। देखो टेक्नोलॉजी ले लो, IT क्षेत्र ले लो, इकोनॉमी 5th largest economy इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, जितने भी सैन्य ताकत ले लो, अरे Agni 5, Agni 6, जहाँ 5000 थी 15,000 किलोमीटर की उनको मार, अरे मैडम आप ये देखो कितना ये आपको नहीं दिखता है। G20 की अध्यक्षता भारत करेगा, आज जिस इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी की या देश की जो छवि है वो छवि आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है क्या? 24 में सरकार बननी चाहिए और क्यों नहीं बननी चाहिए इसको मैं सिद्ध करूंगा प्रमाण के साथ। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या नहीं दिया, सबसे पहले जहाँ आप खड़े हैं ये डेवलपमेंट सारा कांग्रेस का है, सबसे पहली बात यहीं से स्टार्ट करूँगा। फिर आप जाइए दिल्ली के सभी 70 विधानसभा के अंदर, जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, जितनी भी जैसे क्लस्टर कॉलोनी है, सभी प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ का आदमी को क्या नाम है इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से जो है उनको मदद दे दी है। वो कैसे दे दी है कि जो व्यक्ति एक गरीब नागरिक था उसको रोटी कपड़ा मकान वो दे दिया। अब आते हैं हम नौकरी के विषय बात, भारतीय जनता पार्टी ने क्या नुकसान करा और कांग्रेस ने क्या फ़ायदा करा वो बताऊंगा, किसी को नॉलेज नहीं है तो आप जाइए सर्वे करिए पहले। आज बड़े तेज़ी से भारत के अंदर में प्राइवेटाइजेशन तेज़ी से हो रहा है, आज प्राइवेटाइजेशन से नुकसान क्या है और बेनिफिट क्या है आपको समझना है पहले। आज आप पढ़ते हो, लिखाई करते हो, हर आपके फादर मदर वगैरह उपेक्षा रखते हैं 10-20 लाख रुपये डिग्री लगाने के बाद कि आपका कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करोगे। जब वो गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो मुझे बताओ उस पढ़ाई का और लिखाई का आप करोगे क्या? ऑप्शन फिर दूसरा है, या तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करो इंटरव्यू देके, तो वो आपको देख कर ना बताइए कांग्रेस को क्यों आना चाहिए? कांग्रेस को इसलिए आना चाहिए कि कांग्रेस की जो नीति है वो एक गरीब नागरिक से लेके एक अमीर नागरिक के लिए फायदेमंद है। मैंने आपको उत्तर दे दिया, प्राइवेटेशन को लेके दे दिया है, रेल यातायात को लेके दे दिया। जब ये गरीबी और महंगाई और रोजगार की बात आती है तो सिर्फ केंद्र सरकार पर क्यों, राज्य सरकार में भी तो मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप रेशियो उठाइए, मोदी जी गवर्नमेंट कब बनी, 14 में बनी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ मोदी जी पे, मैं वो आंकड़े बता रहा हूँ जो मैंने भी सर्वे करे। आज आप एम्स चले जाइए,
एम्स में देखिए कितने बड़े स्तर पर प्रोटेक्शन हो रखा है। आपको ये समझना पड़ेगा, मैं ना राहुल गांधी की तरफ क्लियर कर दूं, ना मैं मोदी की तरफ हूं, ना मैं राहुल गांधी की तरफ हूं, पहले क्लियर कर दूं। आप ये देखिए, जब राहुल गांधी जी का जब विरोध हो रहा है तो मुझे विरोध समझ में नहीं आ रहा कौन सा हो रहा है। उनकी सरकार नहीं है भारत में, कन्याकुमारी से लेके बराबर कंटिन्यू, जितना मोदी जी के जनसलाब था ना, इतना कन्याकुमारी से लेके आपका जम्मू तक चल रहा है कंटिन्यू नॉन स्टॉप। तो ये समझना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या आ रही है, अगर मोदी जी की जो नीति है सरकार की, अगर वो अभी जो कल कार्यकारिणी बैठक हुई, दो दिन का अधिवेशन था, अगर उसमें सही फैसले ले लिए जाएं तो मेरा ऐसा मानना है मोदी जी आ सकते हैं फिर, अगर नहीं। और दूसरी बात, और फिर इस तरह अगर आपने नलायक आदमियों को टिकट दे दी लोकसभा की, तो मेरा ऐसा मानना है क्या मोदी सरकार नहीं आई। तो क्या लगता है, आएगी या नहीं आएगी? सबसे पहले मैं बता दूं, सर ने अभी कहा कि कांग्रेस की नीतियां बहुत अच्छी थी। अगर नीतियों की बात करें तो हम इंदिरा जी को ले लें, इंदिरा जी को मुद्दे पे ले आए, इंदिरा जी की क्या नीति थी? अच्छा, बीजेपी मोदी जी की इतनी खराब नीति है मैम, 2009 का इलेक्शन उठा देख लीजिए, 2009 में बीजेपी का जो वोट ग्रामीण क्षेत्र में वोट प्रतिशत था वो सिर्फ 9% था। 9% से 2014 के इलेक्शन में आप उठा के देख लीजिए 79% तक पहुंच गई। 2019 के इलेक्शन में 74% ये आंकड़ा हो गया है बीजेपी का ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में। बहुत खराब नीति है, इतनी खराब नीति है कि 9% से 74% और 79% तक पहुंच गया। देखिए मैं देखिए आपकी सुनी है उन्होंने, आपकी सुनी है, मैं बता रहा हूँ, मैं तथ्य की नहीं, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ। दी न्यू बीजेपी, इनके भी तथ्य सुने ना, सुने, दी न्यू बीजेपी करके एक पुस्तक है, उसे उठाकर एक बार पूरा पढ़ लीजिए, आप समझ जाइए। नहीं बिल्कुल, अब आप तथ्य नहीं मानेंगे, आप जो कहेंगे हम वो मान ले। नहीं नहीं आप, अरे सर क्या खाने में दे, बात सुनिए बात, वो नहीं, वो इंदिरा जी ने दे दिया कि मनमोहन सिंह साहब ने दे दिया, नहीं दे कौन रहा है, वो खाना कौन दे रहा है आपके पास आके? आपको जवाब अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, कह रहे हैं सर, कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, मतलब बड़ी हास्यात्मक बात लगती है कि कह रहे हैं रोजगार लोग नहीं मिलता, मतलब स्किल इंडिया जैसे पता नहीं कितने ऐसे वेबसाइट लाए गए हैं कि जिससे आप स्किल, कुछ हुनरमंद हो आपके भीतर, कुछ हुनर आए। अच्छा, एप्पल आईफोन जैसी कंपनियां आ रही हैं हिंदुस्तान में, काम कर रही हैं, इतना बेहतर ढंग से काम कर रहा है, सुचारू रूप से देश चल रहा है, फिर भी जब विरोधाभास है तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं। विरोध तो श्री राम का हुआ, विरोध तो कृष्ण का हुआ, विरोध तो शिव का हुआ, उसमें कोई वो नहीं है। राहुल गांधी क्या आपको लगता है सफल नहीं, सफल यात्रा नहीं? नहीं मैम, देखिए क्या है ना कि अब भविष्य के बारे में हम क्या पहले से ही पूर्वानुमान लगाए, क्योंकि भविष्य के गर्भ में बहुत सारे आश्चर्य छुपे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी नहीं आएंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जो मेरी थोड़ी राजनीतिक समझ है, उसमें ये लगता है कि 2024 में भी बीजेपी आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी हैं राजनीति में। देखिए, अगर बुरे और बहुत बुरे में चयन करना हो तो मैं हमेशा मोदी जी को चुनूंगा मैम, निसंदेह बिल्कुल। तो ये हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी हुई थी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता पक्ष में आएंगे और सत्ता संभालेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी जो है वो कड़ी टक्कर देंगे और वही प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। अब 2024 में क्या कुछ होता है और क्या कुछ बदलता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।